तो मैं निकला हूँ स्नो लेपर्ड ढूंढने के लिए। तो भाई मैं खड़ा हूँ इस टाइम टिब्बर के व्यू पॉइंट पे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हमारा आउटसाइड से स्टार्ट हो रहा है, बाहर से। अब जाके स्नोफॉल जो है रुकी है, तो फिर मैंने कहा बाहर निकलते हैं। और कल सारा दिन सारी रात स्नोफॉल जो है कंटिन्यू हो रही थी, अब जाके रुकी है और हवा भी थोड़ी रुकी हुई है। कल यहाँ से सारी बर्फ साफ की थी, उसके बाद फिर से इकट्ठी होगी। देखो कम से कम 4 से 5 इंच होगी बर्फ। तो अब लोग जो है स्नोफॉल रुक गई है, तो अब लोग जो है छतों से बर्फ उठा रहे हैं। और देखो यहाँ कितनी कट्टी हो गई है। हाई शाबाश, हाई शाबाश। आज का टास्क है गाड़ी तक पहुँचना, क्योंकि बर्फ तकरीबन रास्ते में 1 फीट 1.5 फीट कट्टी हो चुकी है, 1 से 1.5 फीट जम गई है। तो थोड़ी सी ऊपर है पंचो। छतों से बर्फ गिरा रहे हैं तो भागना पड़ा मेरे को। तो भाई अब देखो गाड़ी के ऊपर बर्फ जो है वो कितनी कट्टी हो चुकी है। तो भाई आज पूरा बढ़िया से वंडरलैंड नजर आ रहा है किब्बर। ये किब्बर की गलियां और ऑप्टिमस प्राइम भी जम रखा है। ये देखो ऑप्टिमस प्राइम, ठंड लगी। तो भाई ऐसे हैं कुछ हालात यहाँ के। छत से जो है बर्फ हटा रहे हैं ऐसे। छत पर स्नो इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी, वेट हो जाता है। हाँ जी आंटी चले ऊपर, सबसे ऊपर चाहिए। मैं दो एक में ले जाऊँ कोई ना, आप आ जाना, मैं ये ले जाता हूँ। यहाँ जाएगा उस पर टॉप पर, ठीक है मैं ले जाऊंगा। आ जाओ उधर से, बंद। तो भाई आज का टास्क ये है, मैंने कल आंटी को बोला था कि जब आप छत से स्नो क्लीन करने जाओ तो मुझे बता देना, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो आज का टास्क ये है कि छत से स्नो क्लीन करनी है, तो मज़ा आएगा आज। तो चलो भाई मुझे ये ऊपर जाने का रास्ता, पहुँचते हैं ऊपर। तो वो आपको दिखाते हैं किब्बर जो कि वंडरलैंड बन चुका है, उसके नज़ारे। अब देखो मैं छत पे आ चुका हूँ, तो यहाँ से
ये है किबर। ओ भाई छत पे उठा रहे हैं। स्नोफॉल रुक गई है तो सब जो है स्नो क्लीन करने में लगे हुए हैं छतों से। अब हमारा टास्क ये है कि हम इसको साफ करेंगे आज। तो स्नो को जो है इस तरीके से छत को क्लीन करना है। बड़ा वाला स्कोप और ये बाइनोकुलर, वॉकी टॉकी और कुछ खाने पीने का थोड़ा सा सामान। सो भाई दो दिनों से पता ही है कि अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है किपर में, तो मैं निकला हूँ स्नो लेपर ढूंढने के लिए। देखते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है, कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये पूरी जो है किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पूरी। तो देखते हैं ये क्या बनता है। भाई पिछले 4 घंटे से मैं लेपर्ड स्पॉट करने के चक्कर में घूम रहा हूँ, बट अभी तक तो कुछ नसीब हुआ नहीं। और स्नो पड़ गई है तो देखते हैं कि शायद 1-2 दिन में आ जाए न्यूज, तो कुछ मिल जाए देखने के लिए। बट फिलहाल मैं तो, अब पहले हवा रुकी हुई थी, अब हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो फिर मौसम और 4 बज गए तो फिर वापस गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। पहुंचने में अभी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तो निकलते हैं अभी उधर से। देखो वहाँ से घूमते हुए ऐसे आ रहे हैं, और अभी यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ते हुए 1 किलोमीटर ऊपर और से। और ये पूरी जो है किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो देखेंगे किस्मत में अगर कुछ मिला तो। तो भाई ये नमग्याल जी जो यहाँ किबर से हैं, और ये स्नो लेपर्ड जो है स्पॉट करते हैं, स्पॉटर हैं, तो इनके ग्रुप वगैरह चले होते हैं। तो ये 10-12 लोग हैं जो कि इधर कॉमिक वाली साइड और उधर स्पॉट करते हैं, और जहाँ कहीं भी लोग दिख जाता है तो ये फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि इनके ग्रुप होते हैं ना, तो जो ग्रुप होते हैं वो पूरे के पूरे नहीं पहुँच जाते हैं।
देखने के लिए जब स्पॉट हो जाता है। तो अब समझ आया स्पॉट करने का कि पहले मुझे लगता था कि लोग खुद ही स्पॉट करते हैं, बट अब पता लगा कि स्पॉटर स्पॉट करते हैं, उसके बाद स्पॉटर फ़ोन करेंगे, फिर जो लोग हैं वो जाएंगे वहाँ कैप्चर करने के लिए। तो ये सीन है। तो ठीक है, अच्छा लगा नमकियाल जी से मिलके। बाकी देखते हैं आगे का, अभी 2-3 घंटे हैं तो कहीं गेड़ा मार के आते हैं, क्या पता इस साइड हिमालयन आईबक्स वगैरह और बहुत सारी वो थी तो कहीं कुछ ना कुछ टकर ही जाता है, क्या पता किस्मत में होता है तो क्या पता लेपर्डी दिख जाए, लेपर्डी दिख जाए, किस्मत अच्छी। कई बार रास्ते में टकर जाते हैं ना आते जाते, किस्मत अच्छी होती है तो देखेंगे। तो इस साइड मैं जा रहा हूँ गेड़ी मारने के लिए, देखते हैं कहीं कुछ टकर जाए तो। सो चलते हैं। Bu bölgede çıkamayız.